तुम्हारे अंदर कौन सी आदत है अपने आपको की? आपको कुछ लगता है कि आप पे ये मेरे ऊपर पड़ी? मुझे बचपन से सब कहते थे कि मैं मिनी हूँ इनका। हाँ यस कहते मैं मिनी मी। मुझे कोई मिलता था कि अरे सजाद के मिनी मी हो तुम तो बिल्कुल। भाई तू फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रही ना, तो आदत आदत एवरीथिंग। जैसे सब कुछ बताए ना क्या एक दो चीजें। जैसे मेरा फिल्म का जो टेक्निकल जितना मेरा फिल्म का पैशन है, हाँ, टेक्निक पे, हाँ, फिल्म मेकिंग पे, हाँ, डायरेक्शन पे, दुनिया की अलग अलग जबानों की फिल्में सारी, सब वर्ल्ड सिनेमा सारा इसके अंदर है। वीडियोस जो हैं, जो जॉन ने डायरेक्ट किए हैं वो कौन से हैं? मेरा नाखून वीडियो इन्होंने डायरेक्ट किया, तमाशा इन्होंने डायरेक्ट किया, इन्होंने लगाया दिल इन्होंने डायरेक्ट किया, और मेरी एक डॉक्यू सीरीज थी पूरी म्यूजिक पे, हाँ, वो इन्होंने डायरेक्ट की थी और लिखी भी थी। तो वो सारी चीजें इनमें आई। दूसरे बेटे में मेरा सारा म्यूजिक अरेंजमेंट कंपोजिशन आया। अच्छा। लिरिक्स का वो सारा अच्छा। आया वो शबी में। हाँ। और जो मेरी जो स्ट्रेटजी बनाने का था कि कैसे एक चीज को पब्लिश करने तक कैसे सोचना है, हाँ, कहाँ से डेवलप करनी शुरू करनी और ऐसे पब्लिश होनी है, वो हाँ, मेरे सबसे छोटे बेटे में खूबी में बांट लिया आपने सारी। और इनका भी बट गया वो, और वो इनको मैनेज कर रहा होता है। जब हम शूट कर रहे थे तो वो इनकी पिक्चर्स और वीडियोस, हाँ जी, बना रहा था और ये वाली अपलोड करेंगे। इनका जो ह्यूमर है वो मेरी बहन में आया है। अच्छा, अनरियल है वो। और शौक जो है, खाने का शौक या पहनने ओढ़ने का या घूमने फिरने का, कोई ऐसे भी चीजें होती तो बहुत है। हर वक्त वो कलेक्टिव है, हम सब हर वक्त ट्रैवल में होते हैं। हाँ। हर वक्त ट्रैवल में होते हैं, दुनिया के किसी ना किसी मुल्क में होते हैं सब, किसी न कहीं हर वक्त, पूरा यूरोप, अमेरिका, सब इधर उधर। पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा शौक खाने पीने का ही। खाने पीने का वो तो फिर होगा, हमारा नहीं है। इनका घूमना है ना, ट्रैवल घूमते रहते हैं, ट्रैवल दुनिया एक्सप्लोर करना। और आप लोगों का, आप लोगों की क्या आदत मिलती है एक दूसरे से? आई थिंक आई हैव गॉट अ फ्यू, लाइक हालांकि थोड़े से पापा ने थोड़ा ज़्यादा हम्बली बोला है, बट पापा इज़ अ बुक पर्सन। अच्छा। मैंने, मुझे ये शौक इन्हीं से पढ़ा था। एंड सेकेंड, यू नो, एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। आई थिंक ही सेट दैट प्रेसिडेंट के Papa has Papa finished his degree with the role of honor from GC. और when I was, मेरा बचपन में नहीं था इतना, I wanted to बस कि नहीं, बस नहीं पढ़ना, वो लेवल में बहुत ही बुरे नंबर से पास हुआ था मैं। But then when I went into university, तो फिर जाके मैं like वो passion develop हुआ, because I've always looked up to him, you know, कि I'll do what he does. तो follow तो करते हो, लेकिन इन बिल्ड कौन सी आदत है कि आपको लगता है? जैसे मेरा बेटा और मेरे मियाँ एक जैसे सब तरह सोते हैं, मैं तो हैरान होगी देख के, तस्वीर खींच में है तो एक तरह से जब वो पैदा हुआ था, उल्टा सोते हैं दोनों। मुझे जो लगता है वो ये उल्टा सोते हैं। हाँ, यानी पैरों की तरफ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मेरा बच्चा रोता रहता था, मैं उसको सुला रही हूँ सीधा, वो सो ही नहीं रहा। सो तो यासर ने कहा उसको उल्टा सुला के देखो। जब मैंने उसको उल्टा सुलाया, उनको कहना सोते तक रहे, सोचते तक न जाए, उल्टा ना सोचे। तो आई थिंक खाने की, खाने की आदत, खाने का शौक। मैं इसमें जो दूसरा है वो ये है कि व्हेन ही वाज अबाउट 4 और समथिंग, तो मुझे कहा था कि मैंने गाना बनाया। अच्छा। वो आप मुझे रिकॉर्ड कराना है आपका, अपना गाना। अच्छा, तो क्या चार साल का? चार साल का। मैंने कहा अच्छा सुनाए, तो वो गाना मुझे आज तक याद है, उसके लिरिक्स आज तक मुझे याद है उसके। तो वो था दिल में बेकरार है, आगे भी बेकरार है, पीछे भी बेकरार है। क्यों? लेकिन ये इतना बेकरार है, ये बच्चा तो बड़ा सेटल है, बड़ा सेटल बच्चा है माशाल्लाह, लेकिन ये गाना क्यों उसने उस वक्त लिख दिया? चलो बचपन है, कोई बात नहीं। बट उसके बाद से जब इसने ही रोट अ सॉन्ग बैजा मेरे कोल, जिसका वीडियो मैं चाह रहा हूँ कि जरूर बनाए, वो इसने लिखा, लिरिक्स उसके लिखे, उसको कंपोज किया, एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। आई वुड वांट हिम टू make a video with that song. So I believe कि वो जो, because हम जब हम छोटे थे, जब मैं हम जब struggle, मैं जब struggle कर रहा था, I think मैं सजाद के जो struggling days हैं वो हमने नहीं देखे होंगे शायद। हाँ। लेकिन सजाद को माशाल्लाह जो kick start था वो बहुत early दिनों में मिल गया था, बाबरी चकोरी से
like everywhere hum log sun rahe the sajad lekin I had to go through a very struggling period jo mujhe jisme main karachi mein gaya karachi jaake main vocal booth mein soya karta tha studio mein raha karta tha in fact he came with chief saab wala album aur us studio mein chalaya tha sindhi muslim aur us waqt that was my struggling days those were my struggling days Hi guys, it's me, Mani Bhatt. And this is me, Ramsha Khan. And you are at the Airbud Digital's YouTube channel. Yeah. Do subscribe it.